माल्टा में पासपोर्ट आपको जल्दी नहीं मिलता, वहाँ पे 10 ईयर्स 12 ईयर्स वो भी चांस है, मतलब श्योर नहीं है कि मिले ना मिले। मेरा एक मशवरा है, अल्तजा नहीं, तुम मेरे पास है इस वक्त जा नहीं। 100/10% मैं कहूंगा उनको आना चाहिए, इधर पेपर मिल नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ ये बांट रहे हैं, अंधे को सुई के अंदर वो क्या कहते हैं धागा डालना पड़ता है। माल्टा में आपको काम मिलता है, जो मिलती है वहाँ पे कार मिल जाता है। गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समुद्रों में, कभी कोई समुन्द्र किसी दरिया में नहीं गिरता। फैमिली को मिल सकता है, अपने बच्चों को मिल सकता है, इस लिहाज से कंट्री बेस्ट है, जो पेपर है वो जल्दी मिल जाते हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर, जमीन पुर्तगाल से मलक अरसलान आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ ये भाई मौजूद हैं गुजराती भाई, जो कि यूके से आए थे अमेरिका वगैरह विजिट करके, पिछले दिनों इन्हें टीआरसी मिला और इनकी वीडियो काफी वायरल हुई। और दूसरे मेरे भाई हॉलैंड से, जर्मनी से और माल्टा से विजिट करके पुर्तगाल की तरफ आए हुए हैं, स्पेशली माल्टा में ये काफी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, ये यूके में कर चुके हैं, ये अपना पुर्तगाल का एक्सपीरियंस बताएंगे, क्या पुर्तगाल में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, पेपरों के हालात कैसे हैं, वेदर कैसा है, फ्यूचर कैसा है, क्या वाकई यहाँ पर पासपोर्ट मिल रहा है या ये एक अफवाह है, और पुर्तगाल शेंगन जोन से बाहर होने जा रहा है या नहीं, इसके बारे में भी आज बातचीत की जाएगी। और ईमेल अपडेट और पुर्तगाल की करंट इमिग्रेशन सिचुएशन और पेमेंट इश्यूज पर भी एंड पे मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले अपना नाइस नेम बताएं जनाब। सर मेरा नाम है आसिफ। आसिफ, आसिफ साहब कैसे आना हुआ पुर्तगाल में? सर एक्चुअली मैं कहता था जर्मनी, हॉलैंड और फ्रांस, ठीक है, तो मेरा प्लान था कि मतलब ना मैं करो प्लान बहुत देर से कि मैं जाऊंगा पुर्तगाल। तो मैं अभी परसों आया हूँ, ठीक है, मैंने विजिट किया तो मेरे पास मतलब आपका था यूट्यूब, तो इसलिए मतलब मेरा प्लान था कि आपसे मिलूँ मैं, ठीक है, अरसलान भाई से मिलूँ और इसे मतलब इन्फॉर्मेशन लूँ, ठीक है। अच्छा लगा, अच्छा कंट्री पुर्तगाल, ठीक है, यहाँ मतलब पेपर के लिहाज से अच्छा कंट्री है, लोग आ रहे हैं यहाँ पे, अच्छा वेदर है यहाँ पे, और मुझे मतलब अच्छा लगा है यहाँ पे, खुशी हो रही है यहाँ पे आके। क्या हालात हुआ, क्या चाह रहे हैं पुर्तगाल के? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। आजकल सुनने में शायद आपको भी आ रहा होगा कि पुर्तगाल को शेंजन जोन से बाहर निकालने की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन ऐसा मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं है, ये ऐसी अफवाहें हैं, होती हैं जहाँ इमिग्रेशन खुली होती है, आपको पता है। इस वाले तुसी कैमरे च मेरे नाल आंदे हो, मेरे च इक एनर्जी आ जाती है। ये मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपको देखता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है कि भाई आप माशाल्लाह जैसे मोटिवेट लोगों को कर रहे हैं, इन दे रहे हैं, मेरा ख्याल है बहुत कम स्पेशली पुर्तगाल में कोई ऐसी वीडियो बना रहा है, बस ऐसे छोटी मोटी ये वो फेंक रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यू आर द बेस्ट। तेरे आने से आए बहार, तेरे जाने से जाए बहार, जिस वेले भी तुसी मेरी जिंदगी च आंदे हो यकीन करो कि खुशियां नाल भर जांदा वो दिन, वो मेरी जिंदगी जिहड़ी है काफी ब्राइट फ्यूचर की तरफ और ब्राइट मैं फील करना, खुशी फील करना, बहुत शुक्रिया। अच्छा आसिफ साहब आप ये बताएं आप पुर्तगाल में क्यों आए हैं? सर एक्चुअली मैं यहाँ पे आया हूँ, मतलब मेरा प्लान था, मैं मतलब मेरे बहुत देर पहले ऐसा था मैंने प्लान किया और मैं जाऊँगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मतलब इमिग्रेशन के लिए अच्छा कंट्री है, ठीक है, अच्छा। वेदर भी अच्छा है यहाँ पे, मतलब सुना है कि जो पेपर्स हैं वो जल्दी मिल जाते हैं, इस लिहाज से कंट्री बेस्ट है सब कंट्रीज में, इवन जर्मनी है, हॉलैंड है, ठीक है, बाई कंट्रीज है, वो बड़े कंट्री हैं, अच्छे कंट्री हैं, एक पुर्तगाल भी बड़ा कंट्री है, लेकिन यहाँ पे पेपर्स के लिहाज से मतलब बंदे की लाइफ सेटल हो जाती है। कल को अगर बंदा किसी कंट्री में होता है इलीगल, बंदा यहाँ पे आता है, ये मतलब इलीगल से बंदा लीगल हो जाता है, बंदा अपनी फैमिली को मिल सकता है, अपने बच्चों को मिल सकता है, इस लिहाज से कंट्री बेस्ट है और लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। अच्छा यार एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, जब मैं यूनान में था तो मेरा यूनान का कार्ड एक्सपायर हो गया, यूनानी भाई मुझे देख रहे होंगे और काफ़ी फैन फॉलोअर मेरे यूनान में भी मौजूद हैं, तो पुर्तगाल का जो कार्ड है एक दफ़ा एक्सपायर हो जाए तो रिन्यू हो जाता है। मैंने सुना है माल्टा में आजकल इशू चल रहा है कि माल्टा में लोगों को TRC रिन्यू नहीं हो रहे, हंगरी में TRC रिन्यू नहीं हो रहे, पुर्तगाल में एक दफ़ा TRC बन गया तो आप पासपोर्ट तक जाएंगे। गिरते हैं बड़े शौक से दरिया समुद्रों में, कभी कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, यहाँ पर आपको पासपोर्ट ही मिल जाएगा, तो आप क्या कहते हैं? एक शेर मेरे लिए, एक शेर आपके लिए, गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बाल चले। कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जो लोग TRC के पीछे भाग रहे हैं माल्टा में, और स्पेशली जो मैंने देखा है हंगरी में स्टूडेंट, उनके कार्ड रिन्यू नहीं हो रहे, आपने हॉलैंड भी देखा, जर्मनी भी देखा, माल्टा भी देखा, आप क्या कहते हैं कि जिनके कार्ड आर्धी टेम्परेरी हैं, चाहे स्टडी के हैं चाहे वर्क के हैं, उन्हें पुर्तगाल की तरफ आना चाहिए? एक्चुअली बात यह है कि माल्टा में आपको काम मिलता है, जो मिलती है वहाँ पे कार्ड मिल जाता है, लेकिन जो वो कार्ड है ना मतलब वो आप मतलब होता है सिर्फ 1 ईयर का, मतलब जो है ना आफ्टर 1 ईयर आपने उस कार्ड को रिन्यू करना है, ठीक है ना, मतलब जो कार्ड पुर्तगाल का है इसका मतलब यह फायदा कि कार्ड मिलता है 2 ईयर्स का, ठीक है ना, इसमें मतलब आपके पास जॉब हो या ना हो आप आगे कार्ड को रिन्यू कर सकते हो। जी जी, आगे आपको कार्ड मतलब फर्स्ट कार्ड मिलता है मतलब 2 ईयर्स का, फिर मिलेगा 3 ईयर्स का,
3 years and 2 years after you are eligible to apply for passport. तो ये मतलब अच्छी opportunity है, best है, एक मतलब यूरोप कंट्री है कि आपको 5 साल में 6 साल में पासपोर्ट मिल रहा है, तो इसलिए लोग यहाँ लोग आ रहे हैं. ठीक है ना, लोगों का मतलब रुझान बाकी कंट्रीज में ऐसे नहीं है, बाकी कंट्रीज में बहुत टाइम लगता है. इवन माल्टा में पासपोर्ट आपको जल्दी नहीं मिलता, वहाँ पे 10 years 12 years वो भी चांस है, मतलब श्योर नहीं है कि मिले ना मिले. जी अच्छा, आपने यूके में भी अमेरिका में भी क्या एक्सपीरियंस किया है इमिग्रेशन के वाले से? बड़ा टफ है, सीरियसली ऐसे ही है जैसे अंधे को सुई के अंदर वो क्या कहते हैं धागा डालना पड़ता, सीरियसली. अच्छा, मेरे साथ इधर ये एक दो भाई बैठे हुए हैं इंग्लैंड से आए हुए, मेरा ख्याल है इनका एक्सपीरियंस भी मुझसे शायद ज्यादा होगा. पेपर मिलना बहुत मुश्किल है और इधर ऐसे ही पेपर मिल नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ ये बांट रहे हैं, कोई है लेने वाला तो ले ले यार, कोई है लेने वाला तो ले ले. अल्हम्दुलिल्लाह खुला है इनका लंगर, वो क्या कहते हैं लंगर खुला हुआ है, आज है जेड़ा मर्जी ये खाए और ला जाए. जबरदस्त, पुर्तगाल का टीआरसी और पुर्तगाल के पासपोर्ट के बारे में गाइस बातचीत की जा रही है. अपने कान खोल लें, आंखें खोल के देखें क्या फेस इंप्रेशन इन लोगों के ठीक हैं. ये लोग माल्टा और यूके का एक्सपीरियंस कर चुके हैं. मैं इससे पहले ग्रीस में था, इटली में था, वहां पर मेरा टीआरसी रिन्यू नहीं हुआ, सिजोर थी सिजोर खत्म काम खत्म. यहाँ पर एक दफा टीआरसी मिल गया, फिर वो रिन्यू होगा, फिर आगे पासपोर्ट मिलेगा. कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है जितनी कि जर्मनी में है, माल्टा में, हंगरी में, स्विट्जरलैंड में है. आप क्या कहते हैं, मैं लोगों को सही पासपोर्ट के बारे में या टीआरसी के बारे में बता रहा हूँ या कोई मिस गाइडनेस दे रहा हूँ? नहीं, आप सही कह रहे हैं, जो है सच में देखा यहाँ पे मैंने खुद, मतलब बहुत सारे ऑफिस मैंने गया हूँ, लोगों से मिला हूँ, मतलब इनसे मिला हूँ, जो इन्होंने कहा मतलब वो वाकई चीज है. अच्छा। इसलिए मैं मतलब मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं मतलब मतलब जस्ट मैं आया हूँ, मतलब मैं पहले स्पेन गया था, मैं यहाँ पे आऊँ, मैं मतलब मेरी हॉलीडेज हैं, मैं विजिट कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा यूरोप, क्योंकि जब मेरी होती हॉलीडेज तो मैं पूरा फिरता हूँ. तो मेरा प्लान था कि मैं जाऊँगा पुर्तगाल, तो अरसलान भाई से मिलूंगा, ठीक है, और इनसे जाके मैं इन्फॉर्मेशन लूंगा मजीद. तो जो कुछ ही मतलब इन्होंने कहा तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है, ठीक है, वो जेन्युइन है, हर चीज़ जेन्युइन है. बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त. अच्छा ये बताएं, पुर्तगाल के अलावा किसी और कंट्री में आप घूमे हैं प्रैक्टिकली या रहे हैं, कुछ बताना चाहते हैं? कुछ पुर्तगाल के अलावा मतलब मैं जस्ट घूमा हूँ, मतलब जाता हूँ सिर्फ 7 डेज के लिए, 4 डेज के लिए. अच्छा क्या उधर आपने एक्सपीरियंस किया है? लोग इमिग्रेशन के हवाले से, उन्हें कोई पास पेपर नहीं है, वो जहनी मरीज नहीं हो चुके 10 साल से 12 साल से हॉलैंड में जर्मनी में, मतलब हॉलैंड में जर्मनी में वहाँ पे लोगों के पास पेपर नहीं है, वो इलीगल है वहाँ पे, ठीक है ना. तो मतलब उनकी लाइफ बहुत मुश्किल है, वो टेंशन में है, मतलब तो वो मतलब खुश नहीं है, उनके मतलब जो ना चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, वो बहुत ज़रा मतलब वो ना डिसपॉइंट है वो, ठीक है. इसलिए पुर्तगाल में देखा, मतलब यहाँ पे लोग आए हैं, ठीक है, तो इवन एक कार्ड आने में टाइम लगता है, समटाइम 1 ईयर, समटाइम मतलब 6 मंथ 7 मंथ, लेकिन यहाँ पे खुश हैं, इवन काम भी नहीं है, लोग खुश हैं क्योंकि एक मंजिल सामने है, पता उनको मिलनी है मंजिल, ठीक है. ठीक है, ज़बरदस्त. अच्छा भाई आप बताएं कि नए आने वालों को आप क्या मशवरा देते हैं, जो यूरोप में आए हुए हैं या आना चाहते हैं, उन्हें पुर्तगाल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बहुत ज़्यादा सख्ती हैं, काम वगैरह नहीं मिल रहे, रियलिटी पे थोड़ी सी नज़र डालें आप. 100/10% मैं कहूँगा उनको आना चाहिए, इधर वो सोच रहे हैं हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लेकिन वो डिसीजन लेने में सम टाइम पता है बंदा कर जाता है, यार मैं जाऊँ ना जाऊँ पता नहीं क्या होगा, ये जो बातें कही जा रही हैं ये सच्ची हैं या नहीं सच्ची, लेकिन ये हकीकत है, ये हकीकत है, बिल्कुल आना चाहिए, लोगों को आना चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, पासपोर्ट मिल जाएगा जिधर मर्जी आप जाएं. मेरा एक मशवरा है, अल्तजा नहीं, तुम मेरे पास से इस वक्त जा नहीं, टीआरसी को करीब आने दो अपने, इसको वेल करो, ये इस वक्त इमिग्रेशन खुली हुई है और इमिग्रेशन मिल रही है. अच्छा मैंने सुना है बहुत ज़्यादा लोगों को, लाखों की तादाद में लोगों को ईमेल्स फॉरवर्ड की गई हैं आईएमए की तरफ से, आप क्या कहते हैं कि लोगों को जल्दी टीआरसी मिलने की तवक्को है? इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है उन्होंने आईएमए चेंज होने का मकसद ही यही था कि आईएमए सेफ से एटलीस्ट कोई समथिंग डिफरेंट करे, तो वो कर रही है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, बाद में फिंगर देंगे और वेट करेंगे टीआरसी का, जैसे हमने वेट किया था. टीआरसी मिलेगी तो ऐसे ही आपको इंटरव्यू देंगे अरसलान भाई के साथ, कोई इधर खड़ा है, कोई इधर खड़ा है, कोई क्यू में खड़ा है, कोई मैसेजेस कर रहा है, फोन कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला. अच्छा आजकल आईएमए बहुत तेजी से ईमेल फॉरवर्ड कर रही है लोगों को, इवन साल साल में भी ईमेल्स आई हैं और बहुत ज्यादा लोगों ने गलती से कैंसिल वाले लिंक पे क्लिक कर दिया था, अब दोबारा से उन्हें ईमेल्स सेंड की जा रही हैं. और अगर किसी को पेमेंट के वाले से या किसी भी वाले से इशू हो, हेल्प लेना चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, मुझसे मशवरा भी ले सकते हैं. वीवर्स पुर्तगाल में पहले सापा पोर्टल पर मैसेज आते थे, अब डायरेक्ट ईमेल पर ईमेलें फॉरवर्ड की गई हैं, वहां से लिंक जनरेट करके आप फीस पे कर सकते हैं. अगर आपको कोई इशू है, कोई मसला है, तो आप आईएमए के नंबर पर अपॉइंटमेंट लेके अपना इशू भी सॉल्व करा सकते हैं, उन्हें ईमेल भी फॉरवर्ड कर सकते हैं. खुद से हकीम बनने की कोशिश ना करें, नीम की मात्रा जान होता है,
आपकी जिंदगी का सवाल है, तो किसी प्रोफेशनल, किसी लायर से, किसी अच्छे कंसल्टेंट से, या जो आपको लगे कि ये काबिल इत्माद बंदा है, उससे आप सर्विसेज भी ले सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं, ताकि आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर रहे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे और मेरे दोस्तों को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हामी और नासर।